संथाल महिला बनेगी राष्ट्रपति। जी हाँ, सनम को की जोहार। इंदो मिथल कुमार मिथल सर यूट्यूब चैनल सनम को शागुंद्र। जुदी आपे को इंदो चैनल ने नवा गया पे हैंड कॉन सब्सक्राइब और बेल आइकन हॉन को जस्ती जरूर दबाइएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारी भारत सरकार में हमारी देश की हमारे भारत देश की जो पहला जो फर्स्ट संथाल लेडी, इससे पहले मैं बता दूँ राष्ट्रपति के पद में जो पहली लेडी थी वो थी प्रतिभा पाटिल। अब हमारी संथाल परिवार से एक जो हमारे देश की करंट गवर्नर रह चुकी है 2015 से 2021 तक झारखंड की द्रौपदी मुर्मू, मैडम मैम द्रौपदी मुर्मू को नमन करता हूँ कि वो गवर्नर के रूप में काम कर चुकी है और बीजेपी के लीड की तरफ से उनका प्रेसिडेंट के पद के लिए नॉमिनेशन दिया गया है, जिसका कुछ वीडियो फुटेज भी आपको मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले बता दूं कि आपको इस खुशखबरी से और आपको ये जानकारी से कितना ज़्यादा हर्ष महसूस हो रहा कि हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली संथाल महिला राष्ट्रपति बनने वाली है, जिसका नॉमिनेशन हो चुका है। चुनाव बहुत नज़दीक है, चुनाव होगा और तभी पता चलेगा कौन बनेगा राष्ट्रपति। जी हाँ, बनने वाली हमारी द्रौपदी मुर्मू, जिसका नॉमिनेशन बीजेपी लीड माननीय नरेंद्र मोदी के समक्ष में भी और पूरा का पूरा पार्लियामेंट के जितने मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर्स और भी सभी के नॉमिनेशन में डाला गया। द्रौपदी मुर्मू का नॉमिनेशन बीजेपी के तरफ से इनका नॉमिनेशन डाला गया, बीजेपी लीड एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से इनका डाला गया नॉमिनेशन। राष्ट्रपति के पद चुनाव के लिए नॉमिनेट हुई है द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन पाएगी या नहीं? आपका कितना सपोर्ट होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी आप को और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले वो हमारी झारखंड प्रदेश की गवर्नर रह चुकी है, 2015 से 2021 तक गवर्नर के पद में रह के झारखंड की सेवा कर चुकी है और एक पॉलिटिशियन है, एक राजनेता है और एक अच्छी कह सकता हूँ कि संथाल परिवार में जन्मी एक महान व्यक्तित्व बन के उभर के सामने आ रही है, जो वन मैन वन वुमेन बनने वाली है। राष्ट्रपति के पद पे आना ही बहुत बड़ी बात होती है, जो देश का शासन का पूरा दावदार राष्ट्रपति पे ही होता है। सबसे बड़ा देश का फर्स्ट पर्सन कहा जाता है राष्ट्रपति को, जो कि अभी हमारे माननीय जो करंट राष्ट्रपति है, तो उनके पद से अब आगे द्रौपदी मुर्मू क्या उनके पद को संभाल पाएगी, क्या उनको मिल पाएगा राष्ट्रपति के चुनाव को विजय हो पाएगी? बीजेपी के तरफ से वो नॉमिनेट हुई है द्रौपदी मुर्मू। तो इस सूचना को लेकर के मैं सोचा आपको थोड़ी सी वीडियो में जानकारी दे दूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और जो भी आप एक इन दो चैनल नवा गया पहन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।